एक चौंकाने वाली घटना में एक डॉक्टर द्वारा किडनी स्टोन की जगह बाएं किडनी निकालने से एक मरीज की मौत हो गई। गुजरात के केएमजी जनरल हॉस्पिटल में हुई हैरान कर देने वाली घटना। गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अस्पताल के मरीज के परिवार को 11.23 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। देवेंद्र भाई रावल के रूप में पहचाने जाने वाले मरीज ने किडनी की पथरी को हटाने के लिए खुद को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हालांकि किडनी निकालने के 4 महीने बाद मरीज की जान चली गई। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा, नियोक्ता ने केवल अपने कार्यों या कमीशन और चूक के लिए जिम्मेदार है, बल्कि अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए भी जिम्मेदार है, जब तक कि यह कार्य रोजगार के पाठ्यक्रम के दायरे में होता है। यह दायित्व के अनुसार प्रतिवादी सुपीरियर का सिद्धांत, जिसका अर्थ है मास्टर को उत्तर दें। अदालत ने अस्पताल को 2012 में 7.5% ब्याज के साथ मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। खेड़ा जिले के वेंगरोली गांव के रावल को पीठ में तेज दर्द और पेशाब करने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने केएमजी जनरल अस्पताल में डॉक्टर शिवूभाई पटेल से संपर्क किया। मई 2011 में उनके बाएं गुर्दे में 14 मिलीमीटर पथरी का निदान किया गया था। अस्पताल ने उन्हें एक बेहतर अस्पताल जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने केएमजी अस्पताल में सर्जरी कराने का विकल्प चुना। 3 सितंबर 2011 को उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के दौरान स्टोन की जगह उनका किडनी निकालनी पड़ी। सर्जरी के बाद रावल को पेशाब करने में अधिक समस्या होने लगी। उन्हें निदान के एक किडनी अस्पताल में ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी गई। बाद में जब उनकी हालत और बिगड़ी तो उन्हें अहमदाबाद के IKGRC ले जाया गया। उन्होंने 8 जनवरी 2012 को किडनी की जटिलताओं के कारण दम तोड़ दिया। रावल की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मीना बेन ने नाडियाद में उपभोक्ता विभाग निवारण आयोग से संपर्क किया। चिकित्सक अस्पताल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को लिमिटेड को चिकित्सा लापरवाही के लिए विधवा को 11.23 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। पैच 2012 में चिकित्सक अस्पताल और यूनाइटेड इंश्योरेंस को लिमिटेड को चिकित्सा लापरवाही के लिए विधवा को 11.23 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। सर्जरी सिर्फ किडनी से स्टोन निकालने के लिए की गई थी और परिवार की सहमति सिर्फ स्टोन निकालने के लिए ही दी गई थी, लेकिन किडनी को हटा दिया गया। इस प्रकार ये डॉक्टर और अस्पताल की ओर से लापरवाही को स्पष्ट मामला है। बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं जिसमें डॉक्टर की लापरवाही के कारण आम जनता को अपने जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें NBC 24 के साथ। धन्यवाद।